हेलो एवरीवन, मैं शाम से वीडियो चालू कर रही हूँ। अभी ना घर पे कोई नहीं है क्योंकि दोनों बच्चे गया है मार्केट और हमारा मतलब घर का सामने से बहुत गाड़ी चलता रहता है। कुछ बात करो तो गाड़ी का आवाज़ ना सुनाई नहीं देता। मैं बाहर इसलिए आ गई हूँ, घर का अंदर ना सिपकली था तो मैं काला ही स्प्रे किया हूँ तो बहुत कैसे लग रहा है ना कि सिर दर्द दे रहा है उसका, हीट से इतना ज़्यादा वो हो रहा है तेज। तो मैं सोची बाहर चले जाती हूँ, बाहर जाके बात करती हूँ क्योंकि इतना मतलब तेज है उसका खुशबू, क्या बताऊँ। मैं ना चाय बिठाई हूँ, चाय बिठा के मैं बाहर चली आई। मैं बोली बाहर जाके बात करती हूँ नहीं तो मेरा सिर दर्द देना चालू हो गया। हीट मार के ना मैं घर में रह नहीं पा रही हूँ, इसीलिए बाहर आ गई हूँ। और बाहर आने से बात करूँगी तो आप लोग को सुनाई भी नहीं देगा, गाड़ी चलते रहते हैं इसी का आवाज़ से और ज़्यादा। आज पैर में पानी नहीं पी हूँ, आज ऑन टाइम में ना बोर चालू हुआ है इसीलिए पानी नहीं दी हूँ। कितना बजे बोर चालू किया आज? तो 3 बजे बोर चालू किया तो धूप बहुत था तो मैं और बाहर आई नहीं हूँ। हमारा पोर्स में तो धूप नहीं रहता है फिर भी एक ठो गर्म ताप रहते हैं, बाहर एक ठो गर्मी रहता है तो इसीलिए मैं नहीं आई हूँ। क्योंकि मैं दूँगी, रात को दूँगी पानी, अभी गर्मी है ना, पैर में पानी नहीं दो तो एक दिन में पानी सूख जाते हैं। धूप हल्का फुल्का आता है मतलब कि एक साइड से धूप चला जा रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, पूरा आएगा जब अप्रैल मई महीना आएगा ना तो पूरा धूप आता है उतना टाइम। अभी तो नहीं आ रहा है धूप, एकदम एक साइड से धूप जैसे चला जा रहा है। अभी दोनों आएंगे भाई बहन तो फिर देखती हूँ शाम का नाश्ता में क्या बनाऊँगी। और पक्षी उक्षी पूरा जा रहा है हमारा पोर्स से ना थोड़ा सा, ये मैं दिखा देती हूँ, इधर थोड़ा सा खुला है ये देख इतना, और इधर पूरा साद लगा हुआ है मतलब साद दिया हुआ है तो इसीलिए ना धूप नहीं आता है, हल्का फुल्का धूप आता है तो वही पूरा नहीं आता है। मैं चाय बिठा के आ गई हूँ, इधर अंदर जाने में डर रही हूँ थोड़ा सा। मैं ना हीट का जो होता है ना उसका खुशबू बोलूँ या बदबू बोलूँ या पता नहीं, मैं नहीं जानती, मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द देता है। अभी मेरा छोटा लड़का का पास फ़ोन लगाऊँगी मैं थोड़ा सा। मैं सोची दोनों भाई बहन आने दो उसका बाद लगाऊँगी वीडियो कॉल करने से, क्योंकि सबको देख पाता है एक साथ है ना। फिर थोड़ा बहुत आटा वाटा मंगाना था इसीलिए भेजी, ऊपर से काम भी है वही पेट्रोल भरना है इसीलिए गया है। मैं बोली जा थोड़ा पेट्रोल वेट्रोल भर के ले आ, मैं देख रही हूँ दोनों कब आएँगे। पेट्रोल भरने के लिए गया था एक बार, हमारा घर का साइड में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पेट्रोल पंप इधर ही है तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं था इसीलिए दोबारा जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ा। ये देखो हीट हीट मार के खुद ही घर छोड़ के भागो। दोनों भाई बहन आ गया मार्केट से, मार्केट से ले आया सब्जी, थोड़ा बहुत सब्जी लेके आए और आटा लेके आए एक पैकेट, और गुपचुप लेके आया है सालक पानी वाला गुपचुप लेके आए और दही वाला गुपचुप लेके आए, उसी को खाएंगे दोनों भाई बहन। और मैं शाम को आज नहीं बनाऊंगी नाश्ता, हम वीडियो कहीं पे एंड करी हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।